चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। 13 माइनस 11, 7.6, 9.-4, ये 3 पॉइंट दिए हैं। अगेन कंसेप्ट बनाने के लिए भाई डायग्राम जरूर बनाइए, बाद में भले आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो बिल्कुल डायग्राम ना बनाए। ए हो गया 13 माइनस 11, बी हो गया 7.6 एंड सी इज 9.-4। आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, इसे 1, इसे 2, इसे 3 बोलते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर करना चाहें तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, किसी को भी एबीसी बोल दें, ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए डिटरमिनेंट से करें डायरेक्ट, तो क्या होगा, 1 माइनस 2, 13 माइनस 7। फॉर्मूला लिख रहा हूं एक बार समझाने के लिए फिर, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, क्या होगा, 1/2, 1, 2, x1 माइनस x2, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, 6, 7 माइनस 9, -2। देखिए कितने कम स्टेप लगेंगी, -11, -6, -17, 6 माइनस -4, +4, तो 10, क्या होगा, हाफ 60, माइनस दो बार आया तो प्लस और एक माइनस, तो -34, यानी ये हुआ 26/2, दिस इज 13 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है λ,11, 6.5, 7.-11, ए बी सी, ये 3 पॉइंट दिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, पॉइंट्स आर कॉलिनियर मतलब पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, तो ऑब्वियसली इस केस में आप क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो जो हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2, 1-2, 2-3, 1-2, 2-3, इसमें क्या करोगे आप, इसको 0 से इक्वेट करोगे, तो यानी ये फॉर्मूला कॉलिनियर के लिए केवल इतना होगा, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, इसको आप 0 से इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या होगा बोलिए, λ-6, 6-7, -1, 11-5, 6, 5 -, प्लस हो गया 11, तो कितना हो जाएगा, 16, दिस इक्वल टू 0। सॉल्व किया, 16 × λ-6, -, +6 इक्वल टू 0, 16 λ, 16 × 6 = 96, +6 इक्वल टू 0, तो 16 λ इक्वल टू आ गया 90, तो लेमडा इक्वल टू आ गया, टू से कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, 45/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, λ,2-λ, 1-λ, 2λ, and -4-λ, 6-2λ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, डिफरेंस ये है कि सभी जगह लेमडा के टर्म यूज हो रहे हैं। क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो इसका मतलब x1 - x2, x2 - x3, आगे चल के इसको स्ट्रेट लाइन में के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, स्लोप इक्वल होते हैं अगर पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं। इसको 0 से इक्वेट किया तो देखिए क्या फायदा होगा, लेमडा -1-λ, पूरा लिख लेते हैं जिससे मिस्टेक ना हो, लेमडा -1-λ, 1-λ, -4-λ, 2-λ, 2-2λ, -2λ, यहां पे बोलो 2λ माइनस 6-2λ, दिस इक्वल टू 0। सॉल्व किया, ये लेमडा हुआ, ये प्लस लेमडा हुआ, तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल ये हो गया 2λ माइनस 1, नीचे होगा 2-4λ, यहां पर आए
तो क्या होगा, 1 माइनस लेमडा प्लस 4 प्लस लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 1 प्लस 4 हो गया 5। यहां पर आए तो 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा 4 लेमडा माइनस 6 दिस इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 4 लेमडा माइनस 6 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 माइनस 4 लेमडा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 6 टू जै 12 लेमडा प्लस 6, यहां पे किया माइनस 10 प्लस 20 लेमडा। लेमडा की देखो क्वांटिटी इक्वेशन बन रही, पूरी अरेंज करें, 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 16 प्लस 20 यानी प्लस 4 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। आप थ्रो आउट चाहो तो 4 कैंसिल कर सकते हो, 2 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए कि माइनस 2 आ जाए, 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 लेमडा कॉमन, लेमडा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, लेमडा प्लस 1, इसका मतलब लेमडा प्लस 1 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे मिल गया लेमडा इक्वल टू माइनस 1, लेमडा इक्वल टू 1/2। ये दो पॉसिबल वैल्यू आई, पॉइंट्स कॉलिनियर थे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 से सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। 4 पॉइंट दिए हैं आपको, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है। क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, हर जगह काम आएगा। जब भी एरिया निकालें फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम। अगर अरेंज नहीं करेंगे तो कई बार आपका आंसर 0 आएगा। अभी हम मान लेते हैं इस ऑर्डर में है। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं, फिर शॉर्टकट फार्मूला लिखते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फार्मूला लिखूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी की बात करें तो हाफ स्टार्ट फ्रॉम 1। तो क्या करेंगे, x1 से स्टार्ट करें, x1 y2 x2 y3 x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस ऑफ y1 से स्टार्ट कर दीजिए, y1 x2 प्लस y2 x3, ये सब माइनस के इसलिए ब्रैकेट बनाया, y3 x4 प्लस y4 x1। अब ये इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। आपको इसका एक शॉर्टकट कॉम्पिटेटिव फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इक्वल टू हाफ। ये फॉर्मूला इसीलिए मैंने बोला अरेंजिंग फॉर्म में करना, एंगल डायगोनली आपको कोऑर्डिनेट लेना है। ट्राइंगल में जैसे x1 माइनस x2, x2 माइनस x3 करते थे, ऐसा नहीं करना है, आपको डायगोनली लेना है, मतलब x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x4। अगर आपने डायगोनली नहीं लिए तो ये फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं आएगा, y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। इसको सॉल्व कर लें, बहुत कम समय में आपका सही आंसर निकलेगा। बट रिमेंबर, अरेंज करने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दो एग्जांपल्स करते हैं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ये फॉर्मूला यूज करते समय ध्यान रखिए, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसमें नहीं लगेगा, बट रिमेंबर इस फॉर्मूले के साथ अरेंजिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर 2 3 माइनस 3 माइनस 4 1 1 माइनस 5 एंड माइनस 4 कॉमा 3। अब आपने अगर एट रैंडम ले लिए तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, अरेंज करके लेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें तो इन चारों कोऑर्डिनेट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड का है, ये किसका है, थर्ड का है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। यानी अगर हम अरेंजिंग करें तो इस तरह से कुछ अरेंजिंग होने वाली है। ये 2 3 यहाँ कहीं मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये यहाँ आ गया, देखो कितना, अगर आपने ऑर्डर नहीं लिया तो आपका आंसर ही बिगड़ जाएगा। 1 माइनस 5 यहाँ कहीं मान लो और माइनस 4 3 ये हो गया, यानी इस तरह से ये फिगर बन गया लाइक दिस। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ रफ डायग्राम बनाओ, पर बनाओ जरूर। अब आप एरिया निकालेंगे तो एक तरीका जो अभी बताया,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इक्वल टू हाफ, वन से स्टार्ट करके पूरा कर सकते हो, वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन माइनस ऑफ वन टू टू थ्री थ्री फोर एंड फोर वन। पर इससे बहुत टाइम लगेगा, हम इसके शॉर्टकट तरीके पे आते हैं। क्या करेंगे, कभी भी एरिया निकालने की बात की जाए तो हाफ हमेशा आएगा। हाफ आप क्या करोगे, डायगोनली लेना है। अगर आप डायगोनली लेने का याद रखोगे तो मिस्टेक ही नहीं होगी। वन थ्री से माना तो बोलिए माइनस थ्री माइनस टू, फिर वन थ्री टू फोर, तो वन माइनस माइनस प्लस फोर। नीचे बोलिए वन थ्री माइनस फोर माइनस थ्री टू फोर माइनस फाइव माइनस थ्री। क्या होगा, हाफ माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस सेवन माइनस एट। सॉल्व किया हाफ, ये हुआ फोर्टी, ये माइनस माइनस प्लस थर्टी फाइव एंड दिस इज सेवेंटी फाइव बाय टू। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप इस मेथड से भी निकालो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा टाइम का डिफरेंस आता है। एक्स वन माइनस एक्स थ्री, किसी को भी एक्स वन बोल दें, मान लो मैं इसे एक्स वन वाई वन बोल रहा हूं, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो इसे एक्स टू वाई टू, कोई भी एक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर लेना है या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। इसे मैंने बोला एक्स थ्री वाई थ्री, इसे बोला एक्स फोर वाई फोर, अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैंने फॉर्मूला बोला है हाफ। याद रखने की ट्रिक है, डायगोनली याद रखिए, डायगोनली याद रखिए मतलब वन थ्री, और नीचे भी लिख लो वन थ्री, यहां पर टू फोर तो नीचे भी टू फोर, तो डायगोनली याद रखना मुझे आसान होता है। तो आपने कहा वन थ्री तो माइनस थ्री माइनस टू, फिर इसी के नीचे देखिए माइनस फोर माइनस थ्री, फिर टू फोर, तो वन माइनस माइनस प्लस हो गया एंड माइनस फाइव माइनस माइनस थ्री हो गया, तो माइनस एट। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस आर 4.3, 6.4, 5.6, 3.5। मैंने चारों कोऑर्डिनेट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है इसको सही प्लॉट करना। एरिया पूछा है, आप लॉजिकली देखें तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू थ्री वाई की वैल्यू फाइव, हम ये मान लेते हैं कि ये थ्री फाइव हुआ, फिर एक्स की वैल्यू फोर वाई की वैल्यू थ्री, वाई की कम है एक्स की ज्यादा है, तो यहां कहीं मान सकते हैं 4.3। फिर हम बात करें एक्स की वैल्यू फाइव वाई की सिक्स, फाइव सिक्स यहां कहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, एक्स तो खिसका वाई भी ऊपर आ गया, और फिर एक बचा है 6.4, तो अगर हम देखें तो 6.4 यहां कहीं आ गया, दिस इज 6.4, तो कुछ इस ढंग से हमारे पास फिगर जनरेट हो गया। फिगर सही जनरेट होना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब ये फिगर ऐसा कुछ बन गया हमारे पास 4.3, 6.4, 5.6 एंड 3.5। अगर लॉजिकली देखें तो बाई चांस ये एंगुलर पॉइंट ही दिए थे, अरेंज ही थे, बट हमने एक बार बना के देख लिया, कंफर्म हो गए। अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि फोर वर्टिसेस किसके हैं। तो यदि एरिया पूछा है तो हमने एक ट्रिक बनाई है, डायगोनली ही लें, तो डायगोनली ही लेना है मतलब आप क्या करोगे, ए बी सी डी हाफ, वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस वन, थ्री माइनस सिक्स, नीचे वाई का नीचे आएगा, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, सिक्स माइनस थ्री थ्री, फोर माइनस फाइव माइनस वन, क्या होगा बताइए, वन बाय टू, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया वन माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस नाइन टेन, ओवरऑल आंसर फाइव। अब ये क्वेश्चन बाई चांस अरेंजिंग फॉर्म में था, पर नहीं भी होता तो भी अगर हमने प्लॉट करके डायग्राम बना के करा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से एरिया कितना आया, फाइव यूनिट।